हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के ईशो उपनिषद क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे मंत्र 12 के सेकंड पार्ट। हमने कल मंत्र 12 के फर्स्ट पार्ट देख लिया, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए हम लोग अभी मंगलाचरण से शुरू करते हैं। आप लोग साथ साथ बोलिए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। तो कल हमने देखा था, कौन सा स्लाइड तक हमारा हुआ था कल? पैराग्राफ 6 कंप्लीट हो गया था मेरे हिसाब से। तो आज हम पैराग्राफ 7 से देखेंगे। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है प्रभु जी। ठीक है, तो मंत्र 12 ईशो श्री ईशो उपनिषद मंत्र 12 सेकंड पार्ट। मंत्र नहीं दिख रहा है पर स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है प्रभु। मंत्र कम हाँ प्रभु जी दिख रहा है। कल पकड़ लिया, कल पढ़ लिया ना, तो पहले पार्ट में मंत्र, सेकंड पार्ट में मतलब उसका तात्पर्य पढ़े ना हम लोग, तो मंत्र तो कल वाले उसमें चला। हाँ प्रभु जी, संबुद्धि असंबुद्धि फिर से एक बार समझाइए ना, संबुद्धि और असंबुद्धि। हाँ संबुद्धि और असंबुद्धि समझाइए ना प्रभु जी एक बार। अच्छा कौन सी इसमें बड़ा कहीं है? देखिए असंभूति जो होता है वो होता है उन व्यक्तियों का जिनका स्वतंत्र मतलब कोई अपना खुद का एक तरह से अस्तित्व नहीं होता है, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हमारा इस भौतिक शरीर का अस्तित्व थोड़ी है, क्योंकि ये तो यहाँ से लिया है और यही मिल जाएगा, ये होता है असंभूति। यार संभूति वो होता है जो शाश्वत है, जैसे भगवान। ठीक है, ये होता है संभूति मतलब शाश्वत, असंभूति मतलब जिनका खुद का अस्तित्व नहीं है। तो हमारे भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं है, हमारा आत्मा जो है वो संभूति है। और ये जो संभूति संभूति जो है वो आके असंभूति के प्रभाव में आके ऐसे यहाँ पे व्यवहार करने लग गए, मतलब ऐसे कैरेक्टर बन गया। ठीक है जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो पैराग्राफ 7 में बता रहे हैं,
श्रीला प्रभुपाद जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जीवन की समस्या केवल चंद्रमा या उसके ऊपर नीचे जाने से खत्म नहीं होगा, ये तो फैक्ट है। इसलिए बोलते कि पृथ्वी पे हमें जिंदगी अच्छे से नहीं जी पर हम चंद्रमा में जाके मंगल में जाके क्या करेंगे, तो वहां पे जाके हमें कोई होने वाला कुछ नहीं होने वाला। हमें यही पे सुधार करना है क्योंकि जो जंक्शन है वो यही पे है, यही से आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, कहीं और ग्रह में जाके नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि गारंटी होता कोई कि हाँ वहां पर जाएंगे किसी और ग्रह में जाएंगे तो वहां पर आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगा तो फिर एक बात होता है चलो जाते, लेकिन वहां पर भी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, मतलब वहां पर भी तो कोई गारंटी नहीं कि हो जाएगा। अरे भगवान बता रहे हैं कि जो मानव जीवन है और ये जो धरातल यही से आपको आगे प्रगति होगा। तो जीवन की जो समस्या है, मतलब जीवन की समस्या मतलब जन्म मृत्यु चक्र से निकलना, जरावधि के इससे निकलना है ना, ये जो अशाश्वत दुखालय में हम फंसे यहाँ से निकलना, तो ये जो बेसिक समस्या है इसमें चंद्रमा में जाके या फिर उसके ऊपर नीचे गोलो मतलब लोकों में जाके कोई फायदा नहीं है कि वहां पे भी यही कंडीशन है। असली समस्या है जन्म मृत्यु के मतलब जंजाल से निकलना जो कि विज्ञान के पास नहीं है। तो ये जो असली प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से जो निकल सकता है वही वास्तविक बुद्धिमान है। और जो इस चक्र से निकलने के लिए जो रास्ता है जो पथ है और यही पथ है वास्तविक पथ, यानी हमें इसी पथ पर चलना चाहिए जीवन को। बाकी ऊपर नीचे जाके हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, और नाम होगा थोड़ा बहुत उससे हमारा कोई बेसिकली फायदा नहीं होगा क्योंकि हम आज है तो कल नहीं है, तो इसमें परमानेंट हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए हमें बता रहे चंद्रमा में नहीं जाना है, हमें भक्ति करना है जिससे हमारा वास्तविक समस्या जो है वो खत्म हो और हमें जो शाश्वतता है वो हमें प्राप्त हो। आगे बता रहा है ईशोपनिषद हमें बताता है कि भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे मंगल ग्रह जाएंगे यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें इसके बाहर जाने की चेष्टा करनी चाहिए है ना। हमें रूम के अंदर नहीं घूमते फिरना है, ना ही हमको ये जो जेल के अंदर ही कभी अपर सेल कभी लोअर सेल इसमें नहीं घूमना है, हमें जेल से बाहर जाना है। और ईशोपनिषद हमें यही बताता है तुम जेल के अंदर हो इससे बाहर निकलो, इसके अंदर घूमोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कभी पशु बनोगे कभी पक्षी बनोगे कभी जलचर प्राणी बनोगे कभी मनुष्य बनोगे, इसमें घूमते रहोगे फिर, लेकिन तुम्हारा जो असली पहचान है शाश्वतता वो इस जो कॉन्सेप्ट है ये जो मृत्यु सागर है ना अशाश्वत दुखालय में, इससे जब बाहर निकलोगे तब तुम्हारा असला मतलब तुम्हारा जो असली पहचान तुम लोगों को मिलेगा। तो हमें इसके अंदर नहीं रहना, हमें बाहर जाना है भक्ति के माध्यम से। आगे बता रहे ऐसे अनेक छद्म साधु तथा पूजक है नाम तथा पूजक है नाम तथा यश के लिए धर्म पालन का दिखावा करते हैं और इस ब्रह्मांड में चक्कर लगाना चाहते हैं जिनके वैकुंठ जाने से कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत सारे साधु आप लोगों को मिलेंगे है ना जो नाम के लिए ये सब के लिए करते हैं। भौतिक दुनिया में भी देखेंगे बहुत सारे लोग परोपकार के नाम पे पैसा ठगते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बस पैसा दो बस बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज खोल देंगे गुरुकुल नाम लगा देंगे लेकिन उसमें एक्चुअल में कुछ सीखा तो है ही नहीं, और पैसा लेकर के बहुत बड़े बड़े बहुत अमाउंट लेकर के कथा करेंगे है ना 10 लाख 20 लाख लेकर के कथा करेंगे। और सिर्फ एक्चुअली कथा क्या होता है ना, कथा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है कि हमने सुना कहानी मजा या ताली मरा आ गए, नहीं कथा इसलिए नहीं कहते, कथा क्या होता है चेंजेस के लिए कि आपने जो कथा आपने किया उससे कितने लोगों के अंदर प्रभाव आया वो होता है कथा। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ना बढ़िया कैशियो वैशियो लेकर के मस्त म्यूजिक से गाना वाना गा के कथा थोड़ा सुना के आ जाएंगे ताली बजवा के आ जाएंगे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कथा जब आप सुनकर निकलते हैं तो आपके अंदर दो चीज होना चाहिए, आपके अंदर खुशी भी होना चाहिए और दुख भी होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली आजकल जो कथा तो उसमें सिर्फ खुशी लेकर के लोग बाहर आते हैं, खुश होकर आते हैं बाहर, खुशी होना चाहिए, खुशी दुख इस बात का होना चाहिए कि कथा में आप ऐसा कथा करें जिससे जो सामने वाले सुनने वालों को पता चले उन्होंने अपना वो क्या है और कहाँ से आए और उन्होंने अभी तक कितना समय बर्बाद कर दिया है, इस बात को उनको दुख होना चाहिए। और खुशी इस बात का होना चाहिए कि उन्होंने उनको अभी मौका मिला है सही रास्ते पे चलने के लिए, इस बात का खुशी भी होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर कथा में देखा जाता है आजकल लोग बस वही बढ़िया म्यूजिक गाना वाला लगा बढ़िया से थोड़ा कीर्तन या इधर उधर के गाना चला के खुश करके लोगों को आ जाते हैं, लेकिन उनको कुछ बताते नहीं कि तुमको क्या करना है, यहाँ से घर जाकर तुम्हें क्या बदलाव लाने हैं अंदर, नियम कानून रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं बताते, सिर्फ कहानी स्टोरी टाइप में बता के चले जाते है ना। तो ये एक्चुअल नहीं है प्रचार नहीं होता, ये सिर्फ आपने बढ़िया सा ड्रेस पहन के अच्छा मेकअप करके आपने अपना वो बढ़ाया। इसलिए बहुत बड़े बड़े फेमस फेमस कथाकार है लेकिन
वो एक ही जगह बैठ रहे थे, कथा करते और पैसे कमाते, वो ना कभी ट्रैवल करते, ना गरीबों के बीच जाते, ना जाकर कहीं समझाते, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, कुछ नहीं करते, वो सिर्फ कथा करते हैं बस। तो ये इनको भी मिलेगा, बस मतलब कर रहे, कुछ तो कर रहे, लेकिन क्या है, ये परफेक्ट नहीं है, कम्प्लीट नहीं है, एक तरीके से दिखा है कि को लोगों में चेंजेस नहीं ला रहे। जो साधु का मतलब होता है दया, तो दया मतलब का जो लोग नॉर्मल पब्लिक इस भौतिक संसार में फंसे उनके प्रति दया दया नहीं दिखा रहे, दया दिखाना मतलब उनका आध्यात्मिक मार्ग में लाने का कोशिश नहीं कर रहे। तो ये होना चाहिए प्रचार, मतलब आप लोगों में चेंजेस लाइए, एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ चेंजेस लाना चाहिए। एंटरटेनमेंट जरूरी है लेकिन चेंजेस भी साथ में आना चाहिए। चेंजेस नहीं आएगा फिर एंटरटेनमेंट में तो वो सुन के चले गए, अगर अगले दिन सब भूल गए। उनको ऐसा बोलना चाहिए कि उनको लगे कि नहीं हम गलत कर रहे हैं और हमें अभी सही मार्ग पर चलना है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, आज मैंने इतना प्रचार किया है। ठीक है, आगे बता रहे, ऐसे लोगों का ब्रह्मांड मतलब भौतिक धाम में बैकुंठ जाने का कोई मतलब नहीं, बस यहीं पे रहेंगे, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, और खुद के जो बच्चे होंगे वो देखेंगे बड़े बड़े कथा कर रहे, तो खुद के बच्चे एकदम बड़ा अमेरिका में पढ़ रहे, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, उनका खुद के बच्चे भी मतलब ये भक्ति पथ में नहीं आते क्योंकि वो खुद ही आचरण नहीं करते ढंग से। आगे बता रहे, ऐसे लोग नास्तिकवादी लोगों के विचार से प्रभावित होकर भगवान का अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाकर गहनतम अंधकार में गिर जाते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे क्या होते हैं, नास्तिकवादी लोगों के विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, लोग शास्त्र के हिसाब से नियमकरण बताते हैं नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बता देते हैं। फिर क्या, वो नास्तिकवादी लोग जब इनके सवाल इधर उधर के सवाल करते हैं, फिर ये लोग, क्योंकि इनके वो सवाल जो आर्गुमेंट करने के वो भी होना चाहिए कि कहानी बताने से नहीं होगा, आप जो बता रहे हैं उसके पीछे कोई अगर सवाल का तो उसको तर्क भी आना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं इसलिए ऐसे हुआ। तो कई बार अगर हम नहीं ढंग से समझेंगे, हमने जो कहानी याद कर लिया, कोई अगर इसी कहानी से सवाल हमें पूछ लिया, हमें उसके पीछे के तत्व का पता नहीं होता, फिर हम भी धीरे धीरे बहक जाते कि नहीं हाँ ये तो सही है, मैंने तो पढ़ा क्यों ऐसा हुआ, ये हो सकता है गलत हो, तो फिर लोग बहक जाते हैं और ऐसे लोग फिर अंधकार में गिर जाते हैं। आगे बता रहे, नास्तिकवाद लोग सीधे सीधे भगवान का अस्तित्व को नकार देते हैं। नास्तिकवादी जो लोग होते हैं वो भगवान का अस्तित्व को ही नकार देते हैं कि भगवान नहीं है, और निर्विशेषवादी लोग अपने विचारधारा से नास्तिकवादी विचार का और बढ़ावा देते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, जो नास्तिक लोग होते हैं ना वो कहते हैं भगवान नहीं है, और निर्विशेषवादी लोग क्या कहते हैं कि भगवान दीप है, तो मतलब दीप है, लाइट है, ऐसा बोलते हैं। कब होता क्या है, अगर कोई भक्त जाके उनको बता रहे कि नहीं भगवान के हाथ पैर है सब है, ठीक है, लेकिन ये लोग बोलते नास्तिकवादी बोलोगे नहीं नहीं भगवान तो नहीं है, नहीं हम बोलेंगे, भक्त बोलेंगे नहीं भगवान है हाथ पैर है, फिर ये लोग निर्विशेषवादी लोगों को दिखा देंगे, वो लोग बोलते भगवान लाइट है, वो लोग भगवान को मानते हैं, वो लोग बोलते भगवान लाइट है, आप बता रहे हो शरीर है, इसका मतलब आप दोनों में आपस में दोनों को भगवान को मानते हो दोनों लोग, लेकिन आप दोनों में ही मतलब सामंजस्य नहीं है, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। और ऐसे जब ऐसे तर्क होने लगते हैं, जब आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे, तब क्या होगा, नास्तिकवादी लोग ना वो उनका और विश्वास उठ जाता है, बोलेंगे ये दोनों भगवान को मानने वाले लेकिन इनके आपस में विचार नहीं मिल रहे, इसलिए वो नास्तिकवादी लोग और नास्तिक हो जाता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है, अगर आधा अधूरा नॉलेज लगेंगे तो जो डाउट कर रहा है और ऑलरेडी हम पे डाउट करके बैठे वो लोगों का डाउट और गहरा होता जाता है, इसलिए कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। आगे बता रहे, ईशो उपनिषद में एक भी ऐसा मंत्र नहीं मिलता जहां कहा गया हो कि भगवान निराकार है, मतलब एक भी मतलब मंत्र में ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां पे ये कहा गया हो भगवान निराकार है, बल्कि यह कहा गया कि भगवान सबसे तेज दौड़ सकते हैं, अन्य ग्रह तक भी पहुंच सकता है, और फिर भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं, कहा गया भगवान दौड़ भी सकते हैं ना अन्य ग्रह तक जा सकते हैं, तो निराकार कैसे हो गए भगवान, निराकार उनका अंश है, पूर्ण नहीं है वो, ठीक है। कल मैंने वही बताया था, अगर निराकार अपने भगवान को बता दिया ना कि निराकार है, तो हमने क्या किया, भगवान को साधारण मनुष्य से भी नीचे गिरा दिया, कि कम से कम साधारण मनुष्य है जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसका भी हाथ पर है, और ये सिंपल हाथ पर साधारण हाथ पर भगवान के क्यों नहीं हो सकते, तो भगवान को हमने हमसे अपने आप से भी नीचे उनको गिरा दिया, तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है और वो हर चीज कर सकते जो हम सोच भी नहीं सकते। आगे बता रहे, परमेश्वर के निराकार मानना, परमेश्वर को निराकार मानना अज्ञान का दूसरा रूप है, ये भी अज्ञान का दूसरा रूप है ना, ऐसा मतलब सिर्फ भगवान मानने से नहीं होगा, सही मानना और सही ढंग से मानना दोनों में फर्क है ना, तो ये भी अज्ञान है। अगर परमेश्वर को निराकार मान रहे तो एक तो नास्तिक वाले लोग बोले भगवान है ही नहीं, वो तो अज्ञान है ही है, और ये लोग बोले कि परमेश्वर निराकार है, तो ये भी अज्ञान है, दोनों ही अज्ञान है, जो कि उनके बारे में अपूर्ण जानकारी देते हैं, ये लोग अपूर्ण जानकारी देते हैं, पूर्ण जानकारी नहीं दे रहे कि नहीं भगवान का जो परमेश्वर है वो निराकार नहीं है, वो निराकार उनका अंश है या उनके ज्योति है, ऐसा कुछ नहीं बोलते, ये लोग गलत बताते, मतलब अपूर्ण ज्ञान दे देते हैं।
और ये ज्ञान जो अपूर्ण देने के बावजूद भी लोग मानते भी नहीं कि ये अपूर्ण ज्ञान है, वो बोलते यही पूर्ण ज्ञान है। तो अपूर्ण का पूर्ण बताएंगे तो फिर जो लोग बिल्कुल ही नहीं मानते उनपे और डाउट आता है, ये लोग फिर गलत ही बता रहे, सामने वाले कुछ और बता रहा है, ये लोग कुछ और बता रहे, हम किसको माने? इसलिए हम दूसरे किसी के साइड में नहीं जाएंगे, हम अपना साइड में जाएंगे। तो ऐसे निर्विशेषवादी लोग समाज में बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ 8 में बता रहे, धर्म का स्वयं करने वाले तथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले और वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने करके अपने अनुयायियों को पथ भ्रष्ट करने वाले ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो धर्म का स्वयं करते, दिखावा करते धर्म का, है ना, धर्म पालन नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते, एक्टिंग करते। तथा कथित अवतारों का निर्माण करने वाले बहुत सारे ऐसे आज के टाइम पे है, जहाँ पे ये अवतार है, वो उसके अवतार थे, वो इसके अवतार है। जैसे महाराष्ट्र में आप लोग जानते होंगे एक बाबा है जिनके नाम है ओम राम, पीछे लगा देता है, ऐसे नाम तो लेना ठीक नहीं है लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं साई बाबा, है ना। तो ऐसे अवतार बना लेते हैं और ऐसे वैदिक आदेश का उल्लंघन करते हैं। मतलब आदेश कुछ और दिया गया कि इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, भगवान बता रहे मेरी पूजा करो, ये लोग जाके कहीं और ये राम ये बाबा वो बाबा में अटक जाता है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे बाबा है जो अपने आपको भगवान बताते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट बताते हैं, मतलब अपने अनुयायी यानी उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको पथभ्रष्ट कर देते हैं कि नहीं तुम उनको मत मानो, तुम मुझे मानो, हमें मानो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, प्रभुपाद जी ने सीधा भगवान को दिखाया कि देखो वो भगवान है, मैं सिर्फ दास हूँ, मैं आपका भी दास हूँ, है ना। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य को बोला मैं आपका भी दास हूँ, लेकिन ये जो ये लोग बोलते नहीं यही भगवान है, हम भगवान है, सब भगवान है, नहीं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता, वही बता रहे। तो ये लोग कहा होता है क्योंकि ये तो खुद पथभ्रष्ट हो ही गए और बाकी लोगों को भी पथभ्रष्ट करा रहे अपने अनुयायी को यानी फॉलोअर्स को। तो ये लोग जाएंगे ब्रह्मांड के गहनतम अंधकार में, ये लोग का भी जो अल्टीमेट मंजिल है वो गहनतम अंधकार ही है। ये लोग भी जो आध्यात्मिक प्रगति वो नहीं हो पाएगा इन लोगों का, जो लोग ऐसे बहकाते दूसरों को। इसीलिए जो बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए शुरुआत से कि आगे कोई हमें बहका है कि ये भगवान है वो भगवान है, हमारे पास ऐसे कुछ कुछ तर्क जो हमें भी जानना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, हमें सोसाइटी को समझाना चाहिए कि कोई आके बोले हम भगवान है तो ये चीज आप करके दिखाओ, शास्त्रों में दिखाओ, शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, ये वो बताओ कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ है तो शास्त्र में कहाँ लिखा है, ऐसा जो जानकारी हमें होना चाहिए। लेकिन हम तो शास्त्र पढ़ते नहीं तो हमारे पास कहाँ से जानकारी होगा। तो गलती कहीं ना कहीं हमारा भी है कि हमने बेसिक नॉलेज रखा ही नहीं है। जब हमारे पास बेसिक नॉलेज होगा तब आके कोई हमें उल्टा पुल्टा ज्ञान दे तो हम उसको पकड़ सकते हैं। आगे बता रहे ऐसे निर्विशेषवादी के पास थोड़ा सा भी अगर ज्ञान आ जाए तो वह अज्ञान से भी ज्यादा घातक होता है। और ऐसे निर्विशेषवादी के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए यानी भगवान को लोग निर्विशेष मतलब ज्योति मानते हैं, मान लाइट मानते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी ज्ञान कहीं से आ जाए जो उनके विचारधारा को सपोर्ट करते तो वो ज्ञान मान लीजिए अज्ञान से भी घातक होता है। बोलते ना अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि भयंकर ही, तो वैसे थोड़ा सा इनके पास अगर ज्ञान आ जाए तो उसी पर संतुष्ट होता है, उसको हर जगह मतलब प्रोपोगेट करते हैं जो कि ज्यादा डेंजरस है। ऐसे लोग शास्त्र के उस भागों को जोर देते हैं जिस भाग में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, यानी वही अलंकारिक शब्द वाले पाठ उठा लेते हैं। कई बार ऐसे होता है देखेंगे एक पूरा वीडियो होता है उसमें से कई एक मिनट का दो मिनट का ऐसे कॉन्टेक्स्ट उठा के उसको पोस्ट कर देते हैं और बोलते देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे कहा गया, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे सब समझ में आएगा एक्चुअली किस मतलब किस उद्देश्य में ऐसा कहा गया था और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा था। लेकिन ऐसे नहीं करते लोग, उस शब्दों को वो पर्टिकुलर उस लाइन को उठा लेते और दिखा देते ऐसे वेदों में कहा गया पशु बलि किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, कौन कर सकता है, ये सब के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ उस शब्द को उठा लेते और वेदों के उस भागों को मानते जहाँ पे देवता की पूजा की संस्तुति है, है ना। तो वेदों के उस भाग को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कहे कोई माता अपने कोई पिता अगर अपने बच्चे से कहे कि बेटा तुम मुझे भी नमस्कार करना और अपने चाचा को भी नमस्कार करना, तो ये लोग क्या करेंगे, मुझे भी नमस्कार करना लाइन को हटा कर सिर्फ दिखा देंगे देखो पिताजी ने कहा है अपने चाचा को नमस्कार करना। तो वैसे पूरा बात को नहीं समझते, आधा अधूरा बात को उठा लेते हैं। आगे बता रहे शास्त्र के सॉरी ये इसमें थोड़ा रह गया, परंतु पूजा विधि विधान से नहीं करते जिसका कारण फल भी कम मिलता है। ये लोग पूजा तो करते हैं क्योंकि वेद में कहा गया पूजा करने के लिए, लेकिन विधि विधान पालन नहीं करते हैं, अपने मन मर्जी से करते हैं। जैसे मान लीजिए कहा गया हो कहीं कि मंगलवार को बलि दे सकते हैं इस मुहूर्त पे, वो ठीक है, ये लोग क्या करेंगे मंगलवार को कि हम डेली बलि देंगे, वो विधि विधान ही हटा दिया, वो नियम कानून ही हटा दिया, अब डेली बलि देने लग गए क्योंकि वेद में लिखा है बलि देने के लिए, लेकिन वो नियम कानून नहीं मानते। आगे बता रहे
शास्त्रों के कई अन्य भागों में देवताओं का पूजा ना करके भी ना करने की भी सलाह दी गई। लेकिन देखिए कई भागों में देवता का पूजा ना करने के लिए भी बताया गया है, उस पार्ट को ये लोग इग्नोर करेंगे, नहीं पढ़ेंगे और सामने भी पब्लिक के सामने भी नहीं लाएंगे। वो जो पीछे जो आगे का पार्ट था जिसमें कहा गया पूजा करनी चाहिए उस पार्ट को ले लेंगे, और जो पीछे कहा गया अन्य भागों में कहा गया नहीं करनी चाहिए उसको ये लोग नहीं दिखाएंगे, परंतु उस भाग को ऐसे लोग नकार देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं कि वो भूल जाओ उसको, या पब्लिकली नहीं बताएंगे, छुपाएंगे लोगों से, क्योंकि उनकी जो वो जो गलती कर रहे वो पकड़े जाएंगे ना, इसलिए नहीं दिखाते। भगवद गीता के 7.23 में कहा गया है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ फल स्थायी नहीं है, क्योंकि यह पूरा भौतिक ब्रह्मांड स्थायी नहीं है और देवतागण इसी भौतिक ब्रह्मांड का अंश है। इसको हम पैराग्राफ 4 में देखते हैं। हाँ देखिए 7.23 में, अंतवंतु फलम तेषाम तद्विवत्ताल्पमे दशाम देवा देवान देव यजयन्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कर अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं। कह रहे जो देवताओं के अल्प बुद्धि जिनके होते हैं देवताओं की पूजा करते हैं और उनके जो फल होते हैं, फल जो मिलते हैं वो सीमित होते हैं, बहुत कम होते हैं और क्षणिक, मतलब आज है तो कल नहीं है। और ऐसे लोग देवलोक को जाते हैं और जो भगवान के पूजा करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। ये मैंने कल भी समझा दिया था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल कह रहे हैं आप भगवान के अगर देवता के अगर पूजा करेंगे तो वो जो फल होगा आपके पास बहुत कम फल मिलेगा, आपको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा और वो स्थायी भी नहीं होगा, आज है तो कल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली भौतिक ब्रह्मांड में है ना वो लोग भी, कि देवता लोग का जो लोक है वो भी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है, तो वो आपको स्पिरिचुअल चीजें दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो आपको ऐसी चीज देंगे जो स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन जब भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि वो आध्यात्मिक है इसलिए वो आपको आध्यात्मिक चीजें दे पाएंगे, इसलिए वो परमानेंट होता है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक है तो स्पिरिचुअल जो चीजें होंगे हमारे लिए परमानेंट होगा। और ये जो देवतागण है वो इस ब्रह्मांड का अंश है, यानी ये भौतिक ब्रह्मांड के जो खुद भौतिक ब्रह्मांड के अंश होने के नाते ये भौतिक ब्रह्मांड से जो बाहर वाला चीज आपको कैसे दे सकते हैं जो कि आध्यात्मिक है या फिर जो शाश्वत है। इसलिए जो भी चीज देंगे आपको, मतलब बेसिकली ऐसे समझिए आपको मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसे दुकान में जाना पड़ेगा सुपर स्टोर टाइप, है ना, जहाँ पे आपको हर चीज मिले। पैराग्राफ 9 में कह रहे हैं, भगवान कहते हैं उनके भक्ति में सेवा करके तत्क्षण कोई भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। यानी भगवान कह रहे हैं उनके भक्ति करके, यानी भगवान के भक्ति करके तुरंत तत्क्षण कोई जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, क्योंकि आपने जैसे भक्ति चालू करते हैं ना, तो मान लीजिए जो क्योंकि भक्ति जब आपका जीवन जब समाप्त होगा, यानी आपका देह जब हरे कृष्णा प्रभु जी म्यूट हो गया प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी लेफ्ट हो गए। हरे कृष्ण कट गया था, और मैं शेयर करता हूँ। आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। आ रहा है आवाज।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज ही नहीं आ रही है प्रभु जी, पूरा मतलब ये हो गया, स्टील हो गया पूरा। कहाँ गए प्रभु जी? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही आवाज? आवाज आ रहा है जी? यस प्रभु जी। अच्छा मैं इसे कट गया था। स्क्रीन शो हो रहा है माता जी? हाँ और आप? तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान कहते कि उनके भक्ति में सेवा करके तत्क्षणात कोई भी जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है, इसके अलावा मुक्ति का कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कोई भक्तिमय सेवा जैसे चालू करते हैं तो उनका ये जो भौतिक धराधाम से निकलने का जो यात्रा उसी समय चालू हो जाता है, ठीक है? अभी भक्ति करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, एक टाइम पे जब शरीर छूटेगा सीधा भगवत धाम, यानी यात्रा चालू हो गया। इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं है, कम से कम कलि युग में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु या वो कली संस्त्र कौन सा कली संस्त्र या कौन सा तो उपनिषद है, उसमें कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये व केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहना था, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम अलावा। और तीन बार गाए क्योंकि कोई भी बात होता है उसमें ज्यादा जोर देने के लिए आपको लोग देखे तीन बार तीन चार बार बोल देते एक बार में, तो ऐसे तीन तीन बार कहा गया कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हरि के नाम के अलावा। क्योंकि ये जो कलयुग इसमें भगवान ने जो यज्ञ है यानी जो साधना भजन करने का जो प्रक्रिया है वो है हरि नाम का जप करना। तो जैसे हम हरि नाम का जप करना चालू करते हैं, भगवान के शरणागति ग्रहण करते हैं, वैसे हमारा जो जन्म मृत्यु जो बंधन है उससे छूटने का जो हमारा प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया उसका चालू हो जाता है। जैसे हम इसको मेंटेन करेंगे आगे आगे हम वैसे ही ये जो भौतिक धराधाम से बाहर जा सकते हैं। और इसमें आपको कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि इतना करो बहुत सारा नियमकरण पालन करो, कोई नियमकरण नहीं है, सिर्फ भगवान का जाप करना है और उनके चरणों की शरणागति लेना है। आगे बता रहे ऐसे मार्ग पर हमारा यात्रा हमारा ज्ञान और वैराग्य पर निर्भर करता है। देखिए दो चीज बता रहे हमारा ज्ञान और वैराग्य। कई बार क्या होता है लोग नाम जप भी करते हैं है ना, लेकिन भौतिक आसक्ति या मतलब भौतिक आसक्ति या भौतिक ज्ञान को छोड़ नहीं पाते, तो ये दोनों चीजें जरूरी दोनों चीज जरूरी है। क्योंकि जैसे बाइक होता है ना, बाइक उसमें देखेंगे रेस के साथ साथ वो भी दिया हुआ है गियर भी दिया हुआ है, तो सिर्फ अब गियर नहीं डालेंगे और रेस देते रहेंगे तो गाड़ी में सिर्फ आवाज निकलेगा और गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। अरे इसके लिए आपको गियर भी डालना पड़ेगा। इसी तरह भक्ति में भी है, आपको भक्ति में सेवा भी सेवा तो करना ही है, ठीक है, साथ में आपको वैराग्य और ज्ञान मतलब ये जो ज्ञान है वो ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तरीके से करें है ना, और वैराग्य यानी जो भौतिक विषय आ सकते उसके ऊपर भी आपको वैराग्य आना चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे वो तो फिर खाली आप दिखावा के लिए भक्ति करेंगे और मन में चीजें रखेंगे तो मतलब वो नहीं होगा। अगर अगर आपने सरेंडर नहीं किया है ना तो वैराग्य आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कई बार देखेंगे भौतिक भक्ति के जीवन में आके भी लोग पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं क्योंकि वो भरोसा नहीं करते। प्रभाव में आके नाम जब कई बार कर लेते हैं लेकिन वो भरोसा नहीं करते कि भगवान के ऊपर, इसीलिए वो लोग के मन में हम फिर भी लालच बना रहते हैं। इसीलिए आपको वैराग्य भी लेना है और ज्ञान भी आना चाहिए और आपको साथ ही साथ जो भक्ति उसको भी जारी रखना है। लेकिन नाम में इतना मतलब ताकत है, अगर आप वैराग्य नहीं भी आ रहा है ज्ञान भी नहीं आ रहा है फिर भी आप शरणागति लेकर नाम जप करते रहेंगे धीरे धीरे एक दिन आ जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करते रहना अपनी तरफ से कि मैं कैसे आसक्ति को छोड़ू।
जितना वैराग्य आपके मन में रहेगा, जितना आपको आध्यात्मिक ज्ञान रहेगा, उतना जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। आगे बता रहे, धर्म का स्वांग करने वाले के पास ना तो ज्ञान होता है और ना ही वैराग्य। ये जो धर्म का दिखावा करते हैं ना, ये लोग थोड़ा बहुत पैसे कम दे देंगे तो नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमें हमारे लिए बहुत व्यवस्था वहाँ पे होना चाहिए तब हम जाएंगे। वो मेन जो काम है लोगों को भक्ति में जोड़ना, भगवान का ज्ञान देना, वो भूल जाते और अपने व्यवस्था करने में लग जाते। ये लोग धर्म का स्वयं करते हैं, इनके पास ना ज्ञान होता है ना वैराग्य होता है। इसीलिए ऐसे लोग धार्मिक सिद्धांतों का दिखावा करके परोपकार और कल्याणकारी कार्य करके अपने आप को महान बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, मतलब दिखावा करके अपने आप को बड़ा बनाने का कोशिश करते हैं और परोपकार करते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया। कहीं जाएंगे पता करना, अगर गए कहीं या कुछ परोपकार किया तो बहुत सारा फोटो फोटो खींच के डालेंगे, ये हमने किया वो हमने किया, इस तरह का दिखावा बहुत लोग करते हैं। कल्याणकारी काम करेंगे जहाँ पे उनको लोगों को भौतिक भक्ति के चीजें देना चाहिए, भगवान के विषय में बताना चाहिए, वहाँ पे ना बता के भौतिक चीजें दे करके आ जाते हैं कि भंडारा करा दो, ये कर दो, कर दो, लेकिन भगवान गायब है इसमें से। तो भगवान को आप गायब नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को केंद्र बिंदु बना के आपको सब कुछ करना है। अगर भगवान को हटा दिया फिर वो एक सिंपल ही सांसारिक कल्याण हो गया, भौतिक शरीर का कल्याण हो गया, आध्यात्मिक रूप में आपने कुछ नहीं किया है। और ऐसे लोग इसीलिए करते कि उनको जो समाज के लोग हैं उनका नाम गुण गुणगान करेंगे। होता है कि आज के टाइम पे ऐसा ही होता है, आप जाएंगे कहीं और भगवान की कथा करेंगे और एक जगह अगल बगल में भंडारा करेंगे, देखेंगे ज्यादातर लोग भंडारा की तरफ जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही है, उनको असली चीजें चाहिए ही नहीं, उनको भौतिक चीजें ही चाहिए होता है, क्योंकि उनको पहले से ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमें अगर ऐसा करना है कि भक्ति का ज्ञान देना है तो हमें दोनों करना चाहिए, हमें प्रसाद भी देना है और हमें भक्ति का चीजें भी देना है। इसीलिए प्रभुपाद जी प्रसाद को बहुत महत्व देते हैं इस्कॉन में कि प्रसाद होना चाहिए, क्योंकि प्रसाद में लोग आते हैं फिर धीरे 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 प्रसाद भी अपना असर दिखाता है। कई कई सारे ऐसे किस्से जहाँ पर प्रभुपाद जी का मतलब स्टोरी में है कि एक बार वो तो कहीं जा रहे थे प्लेन में, तो कोई एयर हॉस्टेस ने उनसे मूढ़ी मांग के खा लिया था। बाद में पता चला 20 साल बाद वो माता जी लंदन में बहुत बड़े भक्त बने और फिर उनसे भी दीक्षा भी हो गया था। तो फिर बता दे कि आपसे मैंने मूढ़ी लिया था क्या बोलते हैं प्लेन के अंदर, उसके बाद से मैं धीरे 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 भक्त बन गया। तो प्रसाद का भी अपना असर है कि को भोग है, भोग लगा के अगर देंगे तो ऐसे सिर्फ बना के दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमें अगर परोपकार भी करना है, कल्याणकारी कार्य भी करना है, तो भक्ति को या भगवान को सेंटर में रखना है, उनको हटा के नहीं करना है, हमें उनको सेंटर में रख के करना है। और वैराग्य भी करेंगे तब भी भगवान को सेंटर में रख के, है ना, नहीं तो छोड़ने को तो लोग बहुत कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने भगवान को ही नहीं लिया बीच में, भगवान के साथ अपने आपको नहीं जोड़ा, तो उस छोड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन दान तो बहुत लोग करते हैं, ये इसमें दान कर देते उसमें दान कर देते, लेकिन वो भक्ति नहीं करते, तो उनका भी ऐसे दान का भी कोई फायदा नहीं है। आगे बता रहे हैं, ऐसे लोग भवबंधन के स्वनिर्मित स्वर्णिम जंजीरों में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग जो भवबंधन है ना, यानी जो भौतिक बंधन में हम लोग फंसे हैं, तो गोल्डन चेन से बंधे रहते हैं। गोल्डन चेन मतलब है तो गोल्डन लेकिन है चेन, मतलब उनका नाम तो बहुत मिल रहा है लेकिन भौतिक नाम मिल रहा है। वो लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत मतलब उच्च लोक में जा रहे, स्वर्ग स्वर्ग में भी जा रहे, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा पा रहे, है ना, मतलब सोना का चेन जैसे मान लीजिए, ऐसे ही बहुत ऊपर लोक तक भी पहुंच पा रहे लेकिन वो लोग भौतिक ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा पा रहे। आगे बता रहे, ऐसे लोग धार्मिक भावनाओं का झूठा दिखावा करते हैं, जबकि सभी प्रकार के दुराचारी कामों में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोग भावनिक जो धार्मिक जो है ऐसे भावनाओं का झूठा दिखावा करते हैं, हाँ हम भगवान को मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, वो धर्म का दिखावा करते हैं, घर में मूर्ति रखते हैं, विग्रह रखते हैं, पूजा अर्चना सब कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो गलत काम भी करता है, ड्रग्स का बिजनेस करता है, ये करते धंधा करते उस टाइप का धंधा करते है ना, दिखावा भी करता है और दुराचारी कामों में भी लिप्त रहते हैं, तो इनका कोई गति नहीं है। आगे बता रहे, ऐसे लोग गुरु शिष्य परंपरा की ना तो चिंता करते हैं और ना तो सम्मान करते हैं, और जनता को झांसा देकर खुद को ईश्वर के रूप में मनवा लेते हैं। ऐसे लोग गुरु परंपरा का चिंता नहीं करते और ना ही सम्मान करते, बोलते नहीं क्या होता है वो ज्ञान खुद से सीखना चाहिए, है ना, सेल्फ स्टडी करो, खुद से सीखो, और टीका लिख देंगे, ये टीका वो टीका लिख देंगे, योगा करो ये करो, और बड़े बड़े टीवी चैनल में जाके बैठ जाएंगे और उनके गुरु के संबंध में पूछे तो नहीं मुझे पेड़ के नीचे ज्ञान मिला था, मुझे रात में सपने में आए थे, इस तरह के बहुत सारे ऐसे बातें करते और ऐसे खुद को ईश्वर के रूप में दिखाएंगे, तुम ही हम खुद ईश्वर है, अपने अंदर देखो ईश्वर का अंश है तो हम भी खुद ईश्वर हो गए ना, इस तरीके का बातें करके लोगों को फंसाते। और इंग्लिश में थोड़ा बातचीत करेंगे, अच्छे से ड्रेसअप करके जाएंगे,
और लोगों की लगता है हाँ ये सही बोल रहे, क्योंकि उचित जब आप बात बोलेंगे तब लोगों को गुस्सा आने लगता है, और आप जैसे ही उनको मतलब बात आप भले ही उचित ना करें लेकिन अगर उनके सपोर्ट में करेंगे ऐसा आप बात करेंगे हाँ ये सामने वाले जो सुनने वाले सही है तो वो लोग सुनते हैं लोग, लेकिन जैसे आप उनको ऐसा बात बोलेंगे उनको ईगो हटा जाए लोग सुनते नहीं है, और ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं, है ना, असली बात छोड़ करके सामने वाले जो क्या सुनने में इंटरेस्ट है उस ऐसे ही बातों को ये लोग बोलते हैं, और सामने वाले को खुश होते हैं और सामने वाले सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे आप उनको चोट पहुंचाने वाली बात करेंगे चाहे वो सच क्यों ना हो लेकिन सामने वाला एक्सेप्ट करेगा नहीं, ऐसे कैसे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, जैसे हम बोलेंगे आहार निद्रा भय मैथुन, आप अगर करें तो पशु बराबर है तो कौन सुनने को रेडी रहेगा, राजी होगा कि हम हाँ हम पशु बराबर है, तो लड़ाई करना चालू कर देगा, लेकिन ये तो सच्चाई है ना, लेकिन जैसे आप बोलेंगे आप ईश्वर है खुश हो जाएगा, अरे मैं भी भगवान के आश्रय में जो करूंगा वो सब हाँ कुछ दिक्कत नहीं, आप ईश्वर आप जो करेंगे वो ठीक, ऐसे अगर मतलब सब बोलेंगे तो सामने वाले भी खुश होता है, आजकल लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं जो लोग धर्म का दिखावा करते हैं। भगवत गीता 4.2 में भगवान बताते हैं गुरु शिष्य परंपरा से आने वाले ज्ञान ही सर्वोत्तम है, ये बात बता रहे हैं यहाँ पे भगवान, एवं परम प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन हो महता योग नष्ट परम तप। श्लोक अनुवाद इस प्रकार है, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है ना, ये जो विज्ञान है इसको गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है, ऐसे नहीं कहीं से भी कोई उठ के दे दिया, नहीं ये आया है ऊपर से गोलोक वृंदावन से आया है, राजर्षियों ने इसी विधि से उसे समझा है, और इसी विधि से, विधि मतलब क्या, गुरु के पास जाके उनसे शरणागत होके उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछ के, ये जो विधि है, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, कालक्रम में क्या होता है छिन्न हो जाता है कोई भी चीज मतलब छिन्न हो जाता है, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर है ना, तो छिन्न हो जाता है, जैसे मान लीजिए आज हम कुछ लोगों को कुछ बता रहे धीरे 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 एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही हम ये सब चल रहा है, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया है, यथारूप में लुप्त हो गया, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं अपने पीढ़ी को कुछ ज्ञान देके जाता हूँ, ये अपने पीढ़ी आगे जाके कुछ ज्ञान देते हैं, ऐसे धीरे 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 उसमें एडिटिंग है ना डिलीटिंग ये चीज होते रहते हैं, ऐसे करते करते धीरे 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 मिट जाते हैं, जैसे हमारा शरीर है आज हमारे कुछ सेल्स खराब हो जाएंगे कुछ नए सेल्स आएंगे, कल कुछ नए सेल्स आएंगे कुछ पुराने सेल्स खराब होंगे, ऐसे करते करते कुछ साल बाद हमारे शरीर में देखेंगे एक टाइम पे हमारे शरीर में जो भी सेल्स थे सारा खत्म हो गया, एक भी नहीं बचा, और इस तरह से हमारा शरीर पूरा बदल जाता है, हम पूरा अलग ही दिखने लगते हैं, ऐसे बता रहे कि गुरु शिष्य परंपरा से लिया गया है लेकिन काल क्रम में छिन्न हो गया, इसलिए यह विज्ञान दोबारा भगवान अर्जुन को देते हैं, ऐसे लोग जनता को मूर्ख बनाने के लिए स्वयं को आचार्य घोषित कर देते हैं पर आचार्यों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, ऐसे लोग जनता को मूर्ख बनाने के लिए अपने आप को आचार्य घोषित कर देते हैं, अभी एक नाम है आचार्य डैश करके आप लोग देख सकते हैं, उनका दाढ़ी है लंबे लंबे है ना, तो अपने आपको आचार्य नाम में ही लगा लिया, अपने आपको होता ना अपने आप मतलब वो दे दिया पुरस्कार दे दिया जनता को पता भी नहीं, तो ऐसे आचार्य जो है वो आचार्य जो एक्चुअल आचार्य है जिनके सिद्धांत शास्त्र का सिद्धांत वो पालन नहीं करते, अपने मन से जो निकलते हैं उसी हिसाब से लोगों को समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने वही समझा है, पर जो समझा सामने वालों को बोल दिया, जो रेफरेंस ना कोई रेफरेंस देते ना शास्त्रों की बात करते कभी वो शास्त्र लेके नहीं बैठता, अपने किताब लेके बैठेंगे और उसमें ऐसे बता देंगे निकल निकल के इधर उधर से अलग 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 थलग समझ के भगवान को बीच में से गायब कर देंगे, भक्ति को गायब कर देंगे, जो स्पिरिचुअलिटी है वो कोर स्पिरिचुअलिटी उसको गायब कर देंगे, बस मंडन मोटिवेशन टाइप बोल के चले जाएंगे, पैसा कमाने का विधि बता देंगे है ना, ज्यादा से ज्यादा हाँ वही है जो लिखा है अरविंद प्रभु जी ने वही लिखा है ना, ऐसा धृत मानव समाज के लिए बहुत घातक है ना, बोलते हैं कि भगवान ने कब कहा था अर्जुन को कि तुम नाचो यहाँ पे हरे कृष्ण गाओ और नाचो, कब कहा था ऐसा भगवान ने, तो आप लोग क्यों ऐसे नाचते ऐसे बोलते हैं। आगे बता रहे राज्य में धर्म आधारित नियम ना होने के कारण ऐसा धृत, बाप रे सर भी लिख रहे कौन है सर नहीं सर फोड़ दीजिए जाके, राज्य में धर्म आधारित नियम ना होने के कारण ऐसे ध्रुत दंड से बच जाते हैं परंतु परमेश्वर के नियम से नहीं बच पाते। देखिए राज्य में तो धर्म आधारित नियम है ही नहीं, कोई भी जाके भगवान को गाली दे देंगे है ना, बच जाते हैं, तो ऐसे कानून तो बनाया नहीं गया, इसीलिए ऐसे लोग कोई भी मतलब कहीं भी गाली देकर चले जाते हैं लेकिन परमेश्वर के नियम से नहीं बच पाते, भले ही हमारे संविधान में नियम नहीं है लेकिन परमेश्वर तो देख रहे हैं ना, उनके नियम से कैसे बचेंगे। एक बार किसी ने पूछा कि हमारा संविधान एकदम परफेक्ट है ना, अगर उसको नियम मान के चलेंगे तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा, कोई तो मुझे बता रहा था, एक्चुअली मेरे से बहुत सारा लड़ाई होते रहते लोगों से,
तो मैंने पूछा अगर परफेक्ट तो बताइए, मैंने कैसे सुना था, तो मैंने भी उनको पूछा कि एक अगर किसी ने मर्डर कर दिया मान लीजिए तो क्या सजा मिलेगा, फांसी हो जाएगा ना? बोला हाँ फांसी हो जाना चाहिए। सब ठीक है, मैंने कहा अगर वही आदमी अगर 2-3 मर्डर कर दे तो कितना क्या होगा? कह रहे फांसी होगा। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, एक एक मर्डर पे भी फांसी, 3 मर्डर पे भी फांसी, तो ये तो इससे बड़े तो फिर जब उसको पता चलेगा फांसी होगा तो 10-12 मर्डर कर देगा, फिर क्या करेंगे आप? क्या ऐसे कैसे तो मर गया ना, तो फिर एक मर्डर पे जो सजा 10 मर्डर पे वही सजा, तो कैसे परफेक्ट हो गया? तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हम लोग मानने को तैयार नहीं कि हम इम्परफेक्ट है इस दुनिया में, भौतिक चीजें जो है इनकम्प्लीट है, और हमारे द्वारा बनाया गया हर चीज इम्परफेक्ट है। जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अपने आप हम भगवान पर विश्वास करने लग जाएंगे। लेकिन हम मानते हैं, हम सोचते कि नहीं हमने बनाया ये परफेक्ट, क्योंकि हम उनको मानते हैं, हमने जो मेन चीज है उसको हटा दिया, भगवान को हटा दिया, हमने स्वनिर्मित गुरु को बना लिया भगवान, और उनकी जो बात है वही मानेंगे अंधविश्वास की तरह। एक्चुअली ये अंधविश्वास होता है कि जो इम्परफेक्ट है उसको भी हम परफेक्ट मान के चलते हैं, लेकिन भगवान के कानून में ऐसा नहीं है। अब देखेंगे धृतराष्ट्र को कितने सालों बाद जाके उनको 100 पुत्र मारेंगे, ऐसे बहुत सारे अगले जन्म में सजा मिला, अगले जन्म में सजा मिला, मिलते छोड़ते नहीं है, लेकिन भौतिक समाज के जो कानून है वो कुछ नहीं कर सकता। पता चला जिस जज ने सजा दिया था अगले जन्म में वही वही जो क्रिमिनल था उसके घर में लड़का बनकर पैदा हो गया, और वही फिर उसको पालन लालन पालन भी कर रहे, ऐसा भी होता है, हो सकता है क्योंकि पुनर्जन्म है, तो इसका कोई कह नहीं सकता, ये परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर संविधान में या फिर हमारे कानून व्यवस्था में कुछ ऐसे व्यवस्था करेंगे जिसके अगर भगवान को कोई गाली दे उसको सजा होना चाहिए, तो ऐसे गाली गलौज देना बंद हो जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। आगे बता रहे भगवद गीता के 16 अध्याय के 19 और 20 में भगवान कहते हैं, तानाहम दो विशीतः क्रूरान संसारेषु नराधमान योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। यानी जो लोग ईर्ष्यालु है, द्वेष करते हैं भगवान से, द्वेष करते हैं, क्रूर है यानी जीवों के प्रति दया नहीं करते, नराधम है यानी अपने कर्तव्य भगवान के जो सेवा है धर्म का पालन करने वो भूल जाते हैं, ऐसे नराधम को यानी नरों में अधम, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान डालते रहते, ठीक है तुमको नहीं आना, घूमो, कभी तुम सुअर बनो, कभी कभी कुकुर बनो, कभी बिल्ली बनो, कभी जाकर नरक में सजा भोगो, ऐसे चलते रहते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कितने ऐसे वो सब कुछ पालन कर रहे, जैसे उस दिन बताया था ना कि जब हमारे सामने हमारे बच्चे लड़ते तो हमें लगता है, मतलब बच्चों को लगता है कितना बड़ा मैटर हो गया, लेकिन हमारे नजर में कुछ नहीं। इसी तरह हम जब हम लोग इस दुनिया में देखते हैं कि इतना हमें टेंशन हो रहा है, हमारे जीवन में इतना टेंशन हो रहा है, हमारे परिवार वाले मर रहे, भगवान हमें बचाने नहीं आ रहे, पहली बात तो ये हमारे गलती से हमें ये भुगतना पड़ रहा है, दूसरा ये कुछ है ही नहीं एक्चुअल में, है ना, हम लोग सदा भुगत रहे लेकिन हम मानते ही नहीं है। लेकिन इस चक्कर में हमें आगे और पीछे का हमें पता नहीं होता है, भगवान भुला देते हैं, जिस कारण से हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से सजा काट के आए और आने वाले टाइम में कहाँ पे सजा काट के काटने जाएंगे। लेकिन शास्त्र दिया है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें समझ में आता है। और भगवान ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जो लोग नहीं मानते डालते रहते नरक में, गरम तेल की कढ़ाई में डाल देंगे, गरम रेतीला में चला देंगे, आग के ऊपर चला देंगे, लोहे के पिघला हुआ लोहे के समान शरीर से हमें लिपटा देंगे, अलग अलग पापों का अलग अलग सजा है, ऐसे डालते रहते भगवान, ठीक है तुम एंजॉय करो उधर। आगे वाले श्लोक में बता रहे, श्लोक 20 में, आसुरी मियोनी मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्ते व कौन्तेय ततो यान्तद्धमाम गतिम। अरे हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करने करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, यानी बारंबार इसी में चक्कर ले रहे तो कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मौका गवा दिया ना, जब उनको इंसान जन्म मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, तब मौका गवा दिया, फिर अब वो रिसाइकिल हो गया उनके साथ, अभी बार बार जन्म ले रहे। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा, वे धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते हैं, एकदम फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे गति में, नीचे लोकों में चले जाएंगे, एकदम पाताल में, अलग अलग, क्योंकि जैसे मनुष्य में भी आप देखेंगे ना, मतलब बहुत टाइप के मनुष्य होते हैं, है ना, देव लोग, गंधर्व, किन्नर, ऐसे बहुत ऐसे, मतलब असुर में भी होता है ना, ब्रह्म राक्षस, ए राक्षस, ओ राक्षस, बहुत सारे कैटेगरी है, तो धीरे धीरे नीचे जाते रहते हैं, उनको सजा मिलते रहते हैं, है ना, वो अपने जो कर्म करते हैं, जो मौका गवा देते हैं मनुष्य जन्म का, जो ये इतना सुंदर अवसर मिला है हमें और इतना अनुकूल वातावरण मिला है, शास्त्र मिले हैं, इतना सारा मंदिर खुले, फिर भी अगर हम नहीं ये सब करेंगे, आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं करेंगे,
तो जो हम चाहते वैसे उससे डबल हमें दे देंगे भगवान। ठीक है, तुम नहीं चाहते जाओ, तुमको मांस खाना है ना जाओ शेर बनो, हमेशा मांस खाओ, क्योंकि वो हमारी इच्छा है ना, हमें जो इच्छा करेंगे इच्छा पूर्ण वही करता है जो हमारे परम होता है। तो हमारा इच्छा मांस खाने का, इस जन्म में मांस खा रहे, तो चलो तुमको जब खाना ही है, इतना टेंशन खरीदना ही नहीं है तुमको, ना तुमको पकाना, कच्चा सीधा खाओ, लो बना दिया बाघ खाते रहो। ऐसे ईशोपनिषद यह निश्चित करते हैं कि ऐसे धर्मध्वजी लोग धर्म का स्वांग करने के बाद ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान पर भेज देते हैं, है ना। ऐसे ईशोपनिषद ऐसे निश्चित कर रहे हैं, यानी बता रहे कि ऐसे धर्मध्वजी लोग, यानी जो धर्म का झंडा लेकर के घूमते हैं, स्वांग करते हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नहीं करते, भक्ति नहीं करते, ऐसे लोग कहा जाएंगे ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान पर चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, उधर जाके ये लोग फिर अपना रहेंगे। तो आज का हमारा हो गया मंत्र 12 हो गया कंप्लीट, सेकंड पार्ट खत्म हो गया। अब हम थोड़ा प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, तो अपने अपने प्रश्न रखिए, उत्तर देने के प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, हरिंद्र माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, 2015 से हम यही संघर्ष कर रहे हैं कि जो भी भगवान के पत्रों को, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को किया था, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। 7 साल हो गए, 2 लोगों पे गोली चलाई, इधर एक का नाम था कृष्ण भगवान सिंह, उसका नाम ही यही था। हम तो हैरान होते हैं कई बार भगवान की इंडिकेशन देखते हुए। तो ये 7 साल हो गए यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो भी आदमी भगवान को गाली दे या हमारे किसी शास्त्र को फाड़े फेंके, उसको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्या होता है, संघर्ष तो जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, लागू होगा सब, हम पब्लिक मिलकर बोलेंगे तो धीरे धीरे लागू होगा। अभी बहुत पॉजिटिव वाइब चल रहा है, तो आशा करते आने वाले टाइम में ऐसा जो भगवान को गाली देगा उसको सजा हो ना हो, उसको मंदिर में सेवा मिलेगा, मंदिर में नौकरी मिलेगा, कर तू इधर ही, उसका उद्धार भी हो जाएगा, सजा भी हो जाएगा। हाँ। तो मंदिर में लेकर झाड़ू पोछा करवाओ। और कोई सवाल किसी का? हाँ आकाश जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अभी मतलब कि जो मतलब कि जो मतलब कि अभी हमारा मतलब कि जो देश है ना, मतलब लोकतांत्रिक वाला है ना, मतलब कि पूरा तो मतलब संविधान तो मतलब खुद मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने मतलब बोला है, मतलब कि जो उनकी बायोग्राफी है ना, कि उन्होंने बोला है कि जो मैंने संविधान पूरा मतलब कि जो कॉपी किया मतलब ये हुआ है ना, मतलब कि जो ब्रिटिश लोग थे उनका ही मतलब कि कॉपी किया हुआ है, और उनके जो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना वैसे ही मतलब कॉपी हो गए, मतलब पूरे उन्होंने खुद मतलब कि फर्स्ट वाले लेक्चर में कहा था कि मतलब जब संविधान लागू किया गया था ना, तो उनके मतलब फर्स्ट लेक्चर में मतलब कि मैं जो मतलब कि जो मतलब दुनिया में मैं जब जाऊंगा ना, मतलब सबसे पहले मतलब जो काम करूंगा तो मतलब मैंने जो लिखा है ना संविधान उसको ही मैं मतलब कि फाड़ दूंगा या जला दूंगा, ऐसा बोला था उन्होंने। कौन बोला था? जो लोग खुद बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था, मतलब ये कहाँ पे बोला था? मतलब उनके मतलब बायोग्राफी में लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा जो मतलब कि उनकी मतलब कि जो है ना, मतलब पूरी मतलब कि पुस्तकालय है ना, मतलब कि उनकी बनाई हुई। आप मुझे रेफरेंस मतलब दे सकते कौन सी किताब में ये, मतलब कौन सा वाला किताब में? अभी मत दीजिए, लेकिन आप ढूंढिए, देखिए, बताइए कौन सा उसमें दिया है। ठीक है, ओके ओके। हाँ मतलब ये मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप मुझे दीजिए, ये अगर आपको मिले कहीं तो देखते कहाँ पे दिया है। नहीं मतलब जैसे मतलब आप जब वो देखते हैं ना, मतलब कि ब्रिटिशर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये वाला लाइन तो मतलब ये जो लाइन आपने बताया ना, बाबा साहब ने खुद का मैं फाड़ दूंगा, ये वाला लाइन एक्चुअली ये कहा? प्रभु जी हम भेज देंगे। हाँ मतलब परफेक्ट होता तो इतना बदलाव क्यों आ रहा है फिर, है ना, बदलाव नहीं आना चाहिए था।
जो मतलब कि जो नेहरू थे ना, मतलब कि वो एक्चुअली क्या है ना, मतलब कि उनके अंडर ही काम करते थे ना, ब्रिटिशर के अंडर ही काम करते, वो और जिन्ना थे, मतलब उनकी वजह से मतलब ठीक भारत दो टुकड़े हो गए ना, मतलब पूरे। होगा मतलब सब सब कुछ मतलब कि अभी ठीक हो रहा है, मतलब अभी पूरा मतलब कि जो कुछ मतलब सनातनी मतलब जो है ना, मतलब शास्त्रों के आधार पे मतलब पूरा हो रहा है, मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट क्लास हाँ के जा रहे हैं, हाँ स्मिता मत नहीं बोलो। अभी नेक्स्ट के लिए अच्छा यहाँ पे ठीक है, मैं अगर प्रणाम टाइम किया। जी प्रभु जी, हाँ। अरे और किसी को सवाल है क्या? प्रभु जी ये जो ईशो इसका आपने पढ़ाया जो ये हाँ हाँ मतलब इसको हम किस में लेते हैं, जैसे वो 108 उपनिषद हो गए उसमें से एक है। अच्छा हाँ 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 उसमें से है 18 मंत्र। हाँ तो इसके अकॉर्डिंग देख, ब्रह्म ब्रह्म के आगे की बात बताई गई है, जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान, हाँ। इसमें नरोल भगवान की, जैसे उस दिन भी एक माता जी बोल रही थी कि हमें ये जो सूतक पातक होता है वो सोचना चाहिए कि नहीं, तो वो हमारे को किसी ने इसका उत्तर दिया था कि अगर हम देवता समझ के विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आप मानो, अगर आप भगवान समझ के भगवान तक पहुंच गए हैं और जब आपके पता चल गया, आपके ज्ञान में आ गया है कि हाँ भगवान सर्वोत्तम है, व्यक्ति रूप में है, उनसे संबंध बनाना है, तो आप फिर ये नीचे का नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हाँ ऐसे भी होता है, और करेंगे भी ना, नियमकरण मान लो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब ये जो मृत्यु भोज खिलाते हैं ना माता जी, उसमें एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मल लोगों को नहीं खिलाया जाता, सिर्फ ब्राह्मण को भक्त लोगों को खिलाया जाता है। क्योंकि मृत्यु भोज में क्या होता है, वो जो पाप होता है, जो जो गए हैं आत्मा उनका, जो मतलब जो शरीर गए हैं उनका जो पाप वगैरह, तो सब में थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो नॉर्मल लोगों को खिला देंगे, ये लोग ऑलरेडी पापी लोग इधर रहते हैं, तो उनको और पाप मिल जाता जी हाँ जी है ना। वही सही। हाँ हाँ तो ऐसे नियम होते हैं, अगर नियम मानन नियम करण मान के चल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, देखिए इसका भी एक वो है। जैसे मान लीजिए आपने तो मान लिया कि हाँ मैं भगवान को मानती हूँ और इसीलिए मैं ऐसे नियम नहीं मानूंगी, ये तो हो गया ठीक है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने अपने आप को पूरा बहुत बड़ा भक्त मान लिया, इसलिए आप ये सब नियम करण नहीं मान रहे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें ये ये भी तो, बात। है ना, तो ये हमें नियम करण मान के चलना होता है। भगवान का हमारा जो कनेक्शन है वो तो है ही है, ठीक है, लेकिन जो सांसारिक नियम है, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, अब जहाँ पे आके फंस गए हैं वहाँ का जो, ये भी नियम हमारा सनातन संस्कृति का ही है, ये बाहर के नहीं है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। हाँ प्रभु जी, लेकिन जिस समर्थता है उतना करना चाहिए ना, जैसे लोगों ने बिल्कुल इसको बिल्कुल, कर्जा लेके करना शुरू कर नहीं दिया, और नहीं नहीं ब्राह्मण वो को सोना नहीं भी है तो ब्राह्मण को सोना कहाँ से देंगे, नहीं नहीं तो नहीं वो ये नहीं, सब नहीं करना आजकल चाहिए। ना, आजकल तो ऐसा हो गया है, आप अगर नहीं भी खिला पा रहे ना, तब भी गांव वाले जबरदस्ती करते, नहीं नहीं तुमको खिलाना ही पड़ेगा, ऐसा है हाँ आज, है ना, तो पांच वो लोगों को गलत। खिला दो, पांच ब्राह्मण को खिला दो तो भी वो भोजी माना जाएगा हाँ और हाँ वो उनको खिलाने के लिए लगेगा। बोलते हैं, वो ठीक है, आप अपने समर के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम अपने ही रिचुअल्स को सही ढंग से नहीं पालन करते, तब उस पर सवाल उठने लगते हैं। हाँ रिचुअल कोई गलत नहीं है, वो हाँ सब रिचुअल बिल्कुल एक एक सही, अक्षर जो लिखा हुआ है वो सही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम पालन हमारा नहीं करते उसको अलग तरीके से, हाँ हमारे से पालन सही से नहीं हो रहा। ये दिक्कत हाँ जी प्रभु जी, है। 10 दिन ठीक जिस पर डेथ हुई है तो उसके घर खाना नहीं चाहिए, है, हाँ डेथ हुई है उस घर में 10 दिन खाना नहीं चाहिए। मतलब आप भी बोल रहे थे ना कि भोज अगर किसी और को खिला दो तो वो पाप उसके भी लगते हैं, तो खाना नहीं चाहिए क्या फिर हमें, जिस घर में डेथ हुई है उस घर में कुछ भी खाना नहीं चाहिए। मतलब सबसे जरूरी तो मुझे लगता है वो भजन करना चाहिए उनके लिए कि वो अच्छे से उनका रास्ता कट जाए, मतलब हमारे को तो यही सिखाया गया कि उतने दिन उनके लिए अच्छे से पाठ करो, ये है बाकी। माता जी का रहता है कि 10 दिन पूरा वो सब वहीं पर जाते हैं, वहीं पर खाते हैं कि जिस घर में डेथ हुई है उनका दुख थोड़ा कम होगी, हाँ इसीलिए हाँ वो हाँ
हाँ तो क्या हाँ फिर खाना नहीं चाहिए फिर ऐसे घर में? आते लोग बना के लेके आते हैं ना हमारे हरे कृष्ण जो। प्रभु, आगे का लेक्चर है अभी 12th भगवत गीता का, अभी 3 मिनट है, लेकिन बना कर लेकर आते हैं तो खाना सही है मतलब? हाँ खाना चाहिए, कोई उसमें अन्न देवता है, अन्न देवता है, देवता को तो ग्रहण।